ऐतिहासिक रूप से इनका जो काम मैं देख रहा हूँ, इसके लिए मैं इनको आह्वान कर रहा हूँ कि आए गंगा जमुनी तरजीह पे, उत्तर प्रदेश से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, इनको मैं आह्वान करता हूँ। तो पत्रकार जी, आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको किसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ? मैं तो इलेक्शन लड़ने की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है ये यहाँ की पब्लिक सोचेगी। इलेक्शन कौन सी पार्टी का टिकट मिलना है या आपको खड़ा करना है ये जनता सोचेगी। इलेक्शन जिताना है या हराना है ये जनता सोचेगी। इलेक्शन में जो कुछ खर्चा आएगा वो मैं करूँगा, जनता करेगी, ये जनता सोचेंगी। मैं कौन होता हूँ सोचने वाला? मेरा काम है समाज सेवा करना, मैं समाज सेवा करता हूँ, कर रहा हूँ और करते रहूँगा। चुनाव में आपका आशीर्वाद है? हमारा क्यों, हम पूरी जनता का आशीर्वाद चाहते हैं कि उनको सहयोग करे। हमारा तो आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, हम पब्लिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और हम तो, हमारा तो रह गए, हम तो आज 1.5 महीने 2 महीने इनके सहयोग में लगे लगे दिन रात, और ऐसा नहीं कि और मैं क्या बोलूँ, मेरा साथ लेवे ना लेवे तो मैं तो पीछे से आके सब खड़ा रहूँगा। मैं पलटी खाने वाला आदमी नहीं हूँ। हर आदमी किसी को जिसका हाथ पकड़ा मैंने, हाथ छोड़ा नहीं है। थैंक यू। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सतीश बेलमकर को मिला यूपी से चुनाव लड़ने का निमंत्रण। मुंबई से कपिल देव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट सतीश बेलमकर मित्र मंडल की तरफ से गत 2 माह से चल के थक्कर बाप्पा कॉलोनी में आधार सेतु के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र जैसे अनेकों सरकारी जरूरत की चीजें दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा यूपी के प्रदेश महासचिव और कुशीनगर यूपी के ग्राम सभा हरपुर बेलही के ग्राम प्रधान लल्लन सिंह पटेल ने थक्कर बाप्पा कॉलोनी के एक बालवाड़ी में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर आधार सेतु का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सैकड़ों लोगों को माइक पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोगों को 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर आधार कार्ड बनवाना पड़ता है और सैकड़ों रुपया खर्च भी करना पड़ता है, लेकिन यहां तो लोगों को बिल्कुल मुफ्त आधार बनाया जा रहा है। सतीश बेलमकर और शिल्पा बेलमकर जैसे समाज सेवक की यूपी में बहुत जरूरत है। मुंबई और महाराष्ट्र में रहकर लगभग 40 से 50 लाख उत्तर भारतीय लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और वहां रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। अगर सतीश बेलमकर चाहेंगे तो हम इनको यूपी से विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने वार्ड संख्या 151 के उत्तर भारतीय समाज के प्रबुद्ध लोगों से आगामी मनपा चुनाव में शिल्पा सतीश बेलमकर को अपना नगर सेवक चुनने की अपील भी किया। सतीश बेलमकर मित्र मंडल की तरफ से लल्लन सिंह पटेल को शाल, नारियल और भारी भरकम गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवक ओम प्रकाश बालोटिया, गिरीश आराव, भारती सिंघाड़िया, नुरुल हुदा शेख, आफ्ताब आलम उर्फ मिंटू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तमकुही राज, सुभाष देशमुख, लक्ष्मण जाटोलिया, माधो सुहासिया, प्रकाश सोनवने, सूर्या बालोटिया, जगदीश बालोटिया, रिजवान शेख, अनवर शेख के अलावा स्थानिक सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर सतीश बेलमकर ने लल्लन सिंह पटेल सहित सभी गणमान्य लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के आरंभ में लल्लन सिंह पटेल ने चेंबूर के आम्बेडकर उद्यान में स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आत्मकथ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। मैं उत्तर प्रदेश से चल के आया हूँ। मेरा परिचय, नाम पहले जान लीजिए, मेरा नाम ललन सिंह पटेल है। मैं अपने ग्राम सभा का ग्राम प्रधान भी हूँ और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव हूँ। और मैं इस मुंबई में अपने मित्रों से मिलने के लिए मैं चल के वहाँ से आया। हमको आपके पत्रकार कपिल देव खरवार जी के तरफ से पता चला कि यहाँ चेंबूर में जो सतीश बेलमकर जी हैं और प्लस उनकी मैडम और ओम प्रकाश जी और भारती मैडम, खास करके बेलमकर जी एक जनहित कार्य के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो महाराष्ट्र में इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से आके ये लोग चुनाव लड़ें। इसमें खुशी होगी, इसलिए कि इस महाराष्ट्र में हम समझ रहे हैं यूपी बिहार से लगभग 52 लाख लोगों का रोजी रोटी महाराष्ट्र देता है, 50 से 55 लाख के आसपास रोजी रोटी देता है। तो मैं ऐसे लोगों को जो कर्मयोगी हैं, यह आसान काम नहीं है। आधार कार्ड आप जानते हैं कि आज के काल में
मतदाता सूची में नाम ऐड करने के साथ साथ आधार नंबर भी जुड़ने वाला है। आने वाले कल में आप घर बैठे वोट दे सकते हैं। ऐसा पुनीत काम जिन्होंने आपके बीच में कर रहे हैं, इनको तो जब कभी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इनको तो कोई भी चुनाव जिता के भेज देना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आकर के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, हम चुनाव लड़ाएंगे वहाँ से। ऐसे समाज सेवी तो हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम लोग काफ़ी हद तक देखते हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक रूप से इनका जो काम मैं देख रहा हूँ, इसके लिए मैं इनको आह्वान कर रहा हूँ कि आए गंगा जमुनी तरजीह पे उत्तर प्रदेश से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। इनको मैं आह्वान करता हूँ। क्या चुनाव लड़ने के यहाँ पे नगर सेवक जो सरपंच टाइप का जो चुनाव होता है तो यहाँ पे पूरी तरह से काम कर रहे थे, क्या अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या वो जीत करके आएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ये चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद मैं पुनः यहाँ आऊँगा। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज में आगे लाना चाहिए, इनको पद प्रतिष्ठा देना चाहिए। और मैं पूरी विश्वास है हमको कि यह चुनाव जीतेंगे, ये नगर पंचायत का जो भी चुनाव लड़ते हैं अवश्य जीतेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ जीतने के बाद मैं यहाँ आऊँगा। मैं अपील करना चाहता हूँ उत्तर भारतीयों से कि आपको ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप ये जो भी चुनाव लड़ते हैं जिता करके इतिहास का कायम करेंगे। और ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को मैं उत्तर भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इनको एक एक वोट दे करके इनको विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं अपील करता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बात तो करती है लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाती है। अभी आप जो ये काम कर रहे हैं आधार कार्ड बनवाने का, वो हमारे यहाँ लगभग 300 रुपये में आधार कार्ड का सुधार किया जाता है, ये जग जाहिर है उत्तर प्रदेश में। वो भी लोगों को भटकना पड़ता है, जगह जगह 20 किलोमीटर दूर जाकर के अपने आधार कार्ड को सुधरवाते हैं। जो उत्तर भारतीय हैं समझ सकते हैं, जब गांव जाते हैं तो इनको पता होगा कि ऐसा काम है। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि एक ऐसा समाज सेवी बुला करके और आपके बीच में और इस तरह का काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर से उत्तर प्रदेश से ये ललन जी पटेल सर आए हैं यहाँ पे। मैं यहाँ के उपस्थित सभी जो जितने भी उपस्थित है जनसभा लोग, उनका आभार मानती हूँ। और आगे जाके ऐसे ही आप हमको साथ दीजिएगा हमारे कार्य में, हमारा कार्य ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। और मैं तय दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इनका बहुत बहुत आभार। यहाँ के लोग चैनल के माध्यम से लोग जाने, यह बहुत ज़रूरी बात है। ये मेरा बात रिकॉर्ड होना चाहिए सभी पत्रकार मित्रों से कि उत्तर प्रदेश से, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में गांव के प्रधान जी और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता आकर के कहा कि गाँव में 300 रुपया सिर्फ आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए 300 रुपया लेकर 10 से 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। वह काम सतीश बेलमकर मित्र मंडल, सतीश जी माध्यम के माध्यम से, शिल्पा बेलमकर के माध्यम से फ्री अवकाश दरवाजे पर आके दिया जा रहा है। घर से निकलिए और कार्ड आपका दुरुस्त, घर से बाहर आइए और आपके बच्चे का नया कार्ड बन गया, वो भी बिना पैसे का। ये चीज़ यहाँ के लोगों को समझने जैसी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस कार्ड का कितना महत्व है और कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं सतीश बेलमकर जी। उन्होंने तो कह दिया, आप उनको किन शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे, कैसे धन्यवाद देंगे? सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इतने दूर से यहाँ पर आए, हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और हमको शुभेच्छा दे रहे हैं। खाली मैं ही नहीं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, मेरे साथ में जो है, मैं खाली आयोजक हूँ, इसका नियोजन करना और इसको सब पूरा काम करना, ये हमारी टीम, जैसे हमारे मेन बॉस हमारे समझ लो हमारे सब करता रहता वही है ओम प्रकाश बालोटिया जी। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे लक्ष्मण भाई है, अशोक भाई है, यहाँ पे सब खड़े हैं। और यहाँ के लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है, यहाँ पे लोग जो खड़े हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह साथ दिया है। शांति से प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा, और ऐसे ही होते रहे, 2-3 दिन और यहाँ पे कैंप रहेगा और आगे जाके पूरा मार्च महीने तक कैंप चालू रहेगा ये। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं चल रहा है, आप कब से देख रहा हूँ मैं खाली आधार कार्ड ही बोल रहे, तो यहाँ पर खाली आधार कार्ड ही नहीं चल रहा है, तो मैं सेल्फ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन कार्ड, इतने सेतु में जो बुलुंड सेतु में तहसील कार्यालय में जितने भी दाखिले बनते हैं वो सारे दाखिले यहाँ पे फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। ये करेक्शन करना चाहता हूँ, ये पूरा क्लियर कर लो। दूसरी बात यह है कि ललन सिंह ने जो कहा है, हमारे प्रधान जी उन्होंने कहा कि यूपी से आके इलेक्शन लड़वा लीजिए। प्रधान जी मैंने सुना है ऐसा कि
इनके पिताजी भी दो बार प्रधान रह चुके हैं और ये भी अब दो बार हाँ तो अभी भी ये भी प्रधानमंत्री है दो टाइम प्रधान है दो टाइम। तो जहाँ तक बात है विधायक लड़ने की या सांसद से लड़ने की यूपी से, ये इनकी बारी है, लेकिन आप अगर बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि बात समझिए कुशीनगर के बाजू में शोहरतगढ़ है, कुशीनगर के बाजू में शोहरतगढ़ है, शोहरतगढ़ में मेरी ज़मीन है, मेरा घर भी है, तो आप समझ लीजिए मैं वहाँ पे भी आ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बुलाएंगे लड़वाएंगे तो ज़रूर लड़ेंगे आके। ठीक, और दूसरी और एक बात बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए है ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसका बहुत आप पूरा लाभ उठा लीजिए। और यहाँ पर जो है सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, आप बार बार उत्तर भारतीय कर रहे हैं, उत्तर भारतीय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इस लोकेशन पे राजस्थानी लोग ज़्यादा है, हमारे राजस्थानी भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में है, समझ लो इस लोकेशन के हिसाब से 90% लोग राजस्थानी है। इसके आगे दूसरी जगह जाएंगे हम लोग वहाँ पर उत्तर भारतीय जाता है, जय अम्बेनगर वगैरह पड़ता है वहाँ पर उत्तर भारतीय 90% है। उसके आगे और थोड़ा सा जाएंगे सेल कॉलोनी जिसको बोलते हैं, उधर 100% साउथ इंडियन है। ठीक है, तो सबके लिए इसको लाभ उठाना है। और ये जो आप 300 रुपये वाली बात कर रहे हैं ना, ये खाली यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये चालू है, हर एक कोने में, हिंदुस्तान के हर एक कोने में यही काम चल रहा है। तो वो हिंदुस्तान का कोना रहने दो, मैं तो हर हिंदुस्तान के कोने में जा नहीं सकता, मैं यहीं पे कर रहा हूँ काम, और यहाँ पे जितने लोग हैं उसका वो लाभ उठा रहे हैं। यहाँ ऑफिस भी आपका कितने से बताइए कि वहाँ पे मेरा ऑफिस तो यहाँ पे 12 साल से 2012 से ऑफिस है मेरा, 2012 से काम कर रही है, लेकिन फ्री में कभी नहीं दिया, जो सरकारी रेट है उसी रेट में काम करते थे। मेरा एक सवाल है कि मुंबई में लेकिन अब तो फ्री में, अभी फ्री में चल रहा है, पिछले 2 महीने से फ्री में कैंपेन चालू है, आगे मार्च तक फ्री में मार्च तक चलेगा, और भरोसा नहीं अगर पब्लिक की डिमांड होगी तो इससे भी आगे चलेगा, मार्च से भी आगे चलेगा। महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है और सभी लोग जो है लुभावने वादे लेकर के मैदान में उतरेंगे, हमने ये किया वो किया, तो किस तरह से देखा जाए तो आपको जम्मू अभी 13 मार्च तक आपका सिविल चलने वाला था, इस मुद्दे को देखा जाए पब्लिक की जनहित में जो काम कर रहे थे, किस तरह से जो बीएचपी का चुनाव आने वाला है तो आप अपनी मजबूती के साथ जनता के बीच में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लुभावने वाला लेकर के आने वाले मैदान में जल्द ही 1 महीने के अंदर। तो पत्रकार जी आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको किसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ? मैं तो इलेक्शन लड़ने की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है ये यहाँ की पब्लिक सोचेगी, इलेक्शन कौन सी पार्टी का टिकट मिलना है या आपको खड़ा करना है ये जनता सोचेगी, इलेक्शन जिताना है या हराना है ये जनता सोचेगी, इलेक्शन में जो कुछ खर्चा आएगा वो मैं करूँगा जनता करेगी, ये जनता सोचेंगी। मैं कौन होता हूँ सोचने वाला, मेरा काम है समाज सेवा करना, मैं समाज सेवा करता हूँ, कर रहा हूँ और करते रहूँगा, इलेक्शन जीते या इलेक्शन हारे, इलेक्शन लड़े या ना लड़े, मैं इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ ये काम। इलेक्शन अभी होने वाला है या नहीं होने वाला है ये भी तय नहीं है, तो उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बाकी जो कुछ तय करना है अगर पब्लिक चाहेगी इलेक्शन लड़ना है तो लड़ लेंगे। आए हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है, एक लंबा सफ़र करके आए हैं और हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। और ये सतीश बेलंगर जो फाउंडेशन है अपना, काम आज 1.5 महीने से जोर जार से काम चालू है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, सब चीज़ जो भी है जो गवर्नमेंट के जो थ्रू से जो अपने तहसील में जो लग रहा है वो पेपर सब फ्री हो रहा है काम इनका, और कोई फ्री मतलब इनका कोई पैसा नहीं है, चार्ज नहीं है, और एक दूसरे को मदद करने को मैं पब्लिक को भी यही बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे को बोल के अपना जल्दी से जल्दी अपना काम करा के लीजिए और सही ढंग से अपना काम कराइए और शोर ना करिए, एक पब्लिक को सहयोग करे और इनको भी मतलब सहयोग करे, थोड़ा मज़ा आवे। और सतीश बेलंगर साहब ने ना ये बोला कि इलेक्शन में मुझे खड़ा करे ना खड़े, वो पब्लिक का बराबर है, वो अच्छी बात बोले, उन्होंने ना तो हमें पहले भी नहीं बोला कि भाई हम इलेक्शन में खड़े होंगे, उन्होंने ये कहा कि हमको जनता की सेवा करना है, वो पब्लिक के ऊपर है, वो उनको खड़ा करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ कि आज चाहे कोई भी आमदार रहने दो चाहे नगर सेवक रहने दो, उन्होंने यहाँ पे ढंग से कोई तो काम किया नहीं और करना किया भी नहीं और ना करेंगे इतना भी मेरे को मालूम है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे उम्मीदवार जो अगर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, मतलब हम लोग पब्लिक चाहती है करने के लिए, बहुत खुशी की बात करना चाहिए, और यहाँ पे ठक्कर पप्पा कॉलोनी नहीं, हम तो हर एरिया के अंदर भी जाते हैं, हमारा सोशल काम ऐसा है कि हम कोई भी एरिया में जा गंदगी देखते हम खड़ा हम उसके पीछे लग जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन लोग तो क्या करते, फोटो व्हाट्सअप पर डाल दे, इस पर डाल दे, मैंने ये किया मैंने वो किया, वो मेरा काम नहीं है, हम काम करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी पर्चा ही गलत वो लोग दे रहे हैं, वो मेरे को मतलब सहन तो हो रहा नहीं, लेकिन मैं करूँ क्या, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरे सामने आके खुला बोले कि मैंने ये गलती किया, मेरी गलती मैं मानूंगा ना, और आप हमें कान पकड़ के बोल सकते ये गलत तुम कर रहे हो, लेकिन आप गलती जो करे उसकी सज़ा कौन देगा,
क्योंकि हमारा जो ठक्कर पापा कॉलोनी ने हर जगह गंदगी अगर फैला, वो हमारा एक दूसरे का काम है कि गंदगी हटाने का काम है। ये नहीं कि आज इधर देखो टीबी बोलो हर बीमारी यहाँ पे फैले फैल रही है, लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों को कोई दवा की सुविधा है ना किसी की सुविधा नहीं है, और किसी आदमी से राय लेने हो जाए कोई राय तो बराबर देते नहीं है, आदमी मुँह टेढ़ा करके चले जाते हैं, और जो आदमी मदद करने के आते हैं उनको भी कोई सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी आने वाले आदमी रिस्पॉन्स नहीं देता, अभी मैं क्या क्या करूँ क्या करूँ। तो आदमी ये कहने वाले एक दूसरे से मदद लेना है तो एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा हमें, और जुड़ के भी काम आगे बढ़ाना है। और सतीश वेलेंकर ने एक फाउंडेशन ने ये बोला है कि हम दवा भी फ्री करवाएंगे, सब करवाएंगे जो मतलब खांसी सर्दी जैसा है ये विचार। तो मैं बोल रहा हर एरिया के अंदर एक एक दिन भी अगर ले तो 6 दिन होता है, तो अगर 6 दिन के अंदर अगर एक एक आदमी का अगर कम से कम 200 आदमी भी अगर 200 आदमी अगर 100 रुपये की दवा है आज मेडिकल में जावे तो दवा दे तो कामयाब है कि नहीं गारंटी नहीं है। 500 रुपया एक दवा खाने में जाते हैं, 500 खर्चा होता है। कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 150 रुपया डायरेक्ट दवा कामयाब है कि नहीं, 500 का दवा का चिट्ठी पकड़ा देते आदमी भाई जाओ वो दवा काम नहीं, फिर डॉक्टर बदली करता, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेके आएंगे, वो उनका है ना आज खाने के वादे पड़े ले, खाने के वादे पड़े ले उनके, आज ऐसा मार्केट डाउन होला पड़ा कोरोना की वजह से। और पब्लिक को यही चाहता हूँ कि और यहाँ पर हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है मार्केट में, बोलो कोई बोलो, लेकिन उनको रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जैसे कि अभी अभी कहा प्रधान जी ने कहा कि यहाँ की जनता को जिताना चाहिए, अपने उत्तर भारतीय लोगों से उन्होंने अपील किया चैनल के माध्यम से कि उत्तर भारतीय लोग इनका समर्थन करें, आप अपने सपोज कर लो कि अगर इनको लड़ना ही है और लोगों ने लड़ाया तो आप कैसे अपील करेंगे अपने समाज के लोगों से। उत्तर भारतीय हम लोग मैं क्या बोला काम अगर आदमी अभी काम तो अच्छा दिख रहा है, जितने कोई भी आए काम तो किया नहीं उनको भी मालूम है, लेकिन अभी क्या हो कोई भी आदमी आता नेता आता उसके सामने जाके फोटो को निकालेगा हार पहनेगा ढोल बजा के निकल जाते कुछ भी करके निकल जाते, लेकिन काम करवाने वाला कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि हम काम करवा के ले वैसा। मैंने ये इन लोगों को देखा कोई नेता आता उसके सामने फटाकड़ा बजाया कुछ बजा निकल जाते सीधा बस, लेकिन वो काम के बारे में कोई नहीं सोचता। आज इस एरिया में सतीश वेलेंकर के काम के बारे में बताइए, सतीश वेलेंकर के बारे में नहीं सतीश वेलेंकर क्या बोला, सतीश वेलेंकर ने यही बोला है जब स्टार्ट में हम लोगों ने कार्यक्रम लिया उधर भी यही बोले हम काम करने के लिए तैयार है ना, और उनको हम गली गली हम ले जाके फिरा रहे वहाँ की गंदगी देख रहे सब कुछ देख रहे ना, वो बोला मदद करने के तैयार, मदद करने के लिए काम करने के लिए तैयार, और काम शुरू किया ना, वादा झूठा तो नहीं किया ना इन्होंने। आज फ्री सबको कहा 1.5 महीने से काम चल रहा है, अगर फ्री होता तो हमारे ऊपर एक्शन कभी का होता था, पब्लिक हमें गाली देती थी, हर नेता लोग हमें गाली देते थे, लेकिन आज काम सही चल रहा था। मेरा कहने का मतलब सही चल रहा था, कोई बोल रहे नहीं ना पब्लिक। तो ये चुनाव में आपका आशीर्वाद रहेगा आपके? हमारा क्यों, हम पूरी जनता का हम आशीर्वाद चाहते हैं कि उनको सहयोग करें, हमारा तो आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, हम पब्लिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम तो हमारा तो रह गए, हम तो आज 1.5 महीने 2 महीने इनके सहयोग में लगे ले दिन रात, और ऐसा नहीं कि और मैं क्या बोलूँ मेरा साथ लेवे ना लेवे तो मैं तो पीछे से कि आगे सब खड़ा रहूँगा। मैं पलटी खाने वाला आदमी नहीं हूँ, हर आदमी किसी को जिसका हाथ पकड़ा मैंने हाथ छोड़ा नहीं है, और वो हमारा वेरी मच बस अंतिम बात की हाथ पकड़ा उसका छोड़ा नहीं है। किसान की आवाज़ YouTube चैनल को इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।